हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत शर्मा। आई एम ए वेटनरी स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डिस्टिंग्विश ओरिजिनल लेबराडोर ब्रीड। मान लो आप कोई किसी शॉप से लेबराडोर का पप्पी लेने जाते हैं, ठीक है, आपको कैसे पता चला कि ये ओरिजिनल लेबराडोर ब्रीड है या फिर इसने कोई पहले क्रॉसिंग करवा रखी है और किसी ब्रीड के साथ, ठीक है। तो हम तीन कैरेक्टर देखेंगे, उनके बेस पे आप बता सकते हो कि ये ओरिजिनल लेबराडोर है या फिर इसमें पहले कभी क्रॉसिंग की हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं वीडियो चैनल पर और भी बनाऊंगा, हाउ टू डिस्टिंग्विश ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड, हाउ टू डिस्टिंग्विश ए पिटबुल फ्रॉम ए पग, ऐसी मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे ये एक वो है लेबराडोर ब्रीड है, ठीक है, ये एक लेबराडोर ब्रीड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेबराडोर के जो ईयर्स होंगे, ठीक है, लेबराडोर के जो ईयर्स होंगे वो वी शेप के होंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं लेबराडोर के जो ईयर्स है वो वी शेप का है, वी शेप के ईयर्स हैं। जैसे इसमें मैंने मार्किंग कर रखी है, जो ईयर्स हैं वो वी शेप के हैं, ठीक है, वी शेप के ईयर्स हैं, वी शेप के ईयर्स हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जिसके बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो है जो इसके ईयर्स होंगे वो पड़े हुए होंगे। जैसे इसमें ईयर्स हैं वो पड़े हुए हैं, जर्मन शेफर्ड की तरह इरेक्ट नहीं है, ठीक है, ईयर्स पड़े हुए हैं, ईयर्स पड़े हुए हैं, ईयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ईयर्स पड़े हुए होंगे। पहला पॉइंट है ईयर्स होंगे वो वी शेप के होंगे, जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है, इसमें मैंने दिखा रखा है, इसमें मैंने दिखा रखा है। जो थर्ड पॉइंट है वो टेल का, जो लेबराडोर की जो टेल होगी वो ऊपर से वाइड होगी, नीचे से थिन होगी, ठीक है, ऊपर से मोटी होगी, नीचे से पतली होगी। जो लेबराडोर की जो टेल होगी वो ऊपर से वाइड होगी, नीचे से पतली होगी, जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो टेल है वो ऊपर से मोटी है, नीचे से पतली है, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टर हैं जिसके बेस पे आप बता सकते हैं, तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जो उसके ईयर्स होंगे वो वी शेप के होंगे। सेकंड पॉइंट, जो उसके ईयर्स होंगे वो पड़े हुए होंगे, इरेक्ट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, जो उसकी टेल होगी वो ऊपर से वाइड होगी, नीचे से थिन होगी, ठीक है। थैंक यू।